तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और इस वीक तो भाई कई कमाल के अपडेट्स हैं। ऑब्वियसली मेन हाईलाइट रहेगा एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, देन कुछ दिन पहले ही बैटमैन डे था तो उससे भी बहुत सारे अपडेट्स, फिर शांगची इटर्नल्स एंड और भी बहुत सारे अपडेट्स। इसलिए एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं शांगची से। तो इसका एक और नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। इसी के साथ तीन और कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए जिसमें आप वॉन्ग, जियांग ली एंड रेजर फिस्ट को देख सकते हो। फिर कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी आए हैं जिसमें आप शांगची का फाइनल लुक देख सकते हो, देन टेन रिंग्स के पावर्स का अलग अलग कलर्स देख सकते हो जो कि कंसीडर किया जा रहा था। टेन रिंग्स के पावर्स के कलर्स को अलग रखा गया था ताकि किसी और सुपर हीरोज के पावर्स से ये मैच ना करे। देन एक और कॉन्सेप्ट आर्ट में आप एबोमिनेशन का भी लुक देख सकते हो जिसे कि मूवी में यूज नहीं किया गया। और फिर ड्वेलर इन द डार्कनेस का कॉन्सेप्ट आर्ट भी। तो हाँ इस वीक बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए। देन एक और डिटेल भी रिवील किया गया कि इस मूवी में एक डिलीटेड सीन है जिसमें रेजर फिस्ट की ओरिजिन दिखाई जाती है, मतलब कि उसकी बैक स्टोरी। इस बैक स्टोरी में वेनवू ने पर्सनली खुद रेजर फिस्ट को ट्रेन किया था। इसी के साथ कुछ बिहाइंड द सीन्स भी हैं। एक में आप वॉन्ग वर्सेस एबोमिनेशन का बिहाइंड द सीन देख सकते हो और उसके बाद ट्रेवर एंड मॉरिस का बिहाइंड द सीन भी। नेक्स्ट आ जाते हैं एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन पे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग सिर्फ इसी को देखने के लिए आए होंगे। तो हाँ इसको लेकर मेजर अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले रिसेंटली एंड्रयू गारफील्ड जिमी फैलन के शो पे आए थे और वहां उनसे उस लीक्ड फोटो के बारे में पूछा गया और इस पे उन्होंने बहुत देर तक बात की और फनी वे में उनका फाइनल रिस्पांस यही था कि वो इस मूवी में नहीं है और जो लीक्ड फोटो है उन्होंने देखा है लेकिन वो फोटोशॉप्ड है। आप लोग खुद सुन लो। There's a photo going around on the internet of you and Tobey Maguire on the set of Spider-Man. The new Spider-Man movie. And I was like, wow, that... sure about that. We are. We're pretty sure about it. So we know what's up. Do you know what's up? Are What I'm telling you is you're in the new Spider-Man No Way Home. Congratulations. Wait, what? Yes, congratulations. You're gonna be in it. Yeah, that's exciting, right? I had no idea. Like, have you seen the photo? What are you talking about? Yeah, you wouldn't see the photo because you're in the photo. No, it's not possible to see a photo that you're in. That's correct. No, I that like, I don't... the worst detective ever. How could you be in this if you're there? it's a photo. I'm the worst detective. Well, if you show me the photo, I can tell you whether it's me or whether it's a real thing. It's been erased. It's been erased off the internet. Oh, how convenient, Detective Fallon. Yeah, I'm just saying. Yeah, it's been erased, but it was around, and we all saw it. And I heard about it, and I did see it, and it's a Photoshop. We say no. वैसे इन सब स्टेटमेंट के नेक्स्ट डे ही एक वीडियो यूट्यूब एंड इंस्टा पे वायरल हो रही थी जिस वीडियो में ये शो किया गया था कि वो जो फ्लीक वीडियो था वो किसी ने एडिट किया था। इस फेक वीडियो के ओरिजिनल क्रिएटर एलेक्स सेराटो थे जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे खुद ये वीडियो अपलोड किया। बेसिकली यहाँ उन्होंने ये दिखाया था कि वो जो फोटो या वीडियो है वो इन्होंने बनाया है और ये उसका ब्रेकडाउन करते हुए शो कर रहे थे। लेकिन वीडियो पोस्ट करने के नेक्स्ट डे ही इन्होंने कंफर्म कर दिया कि इन्होंने मजाक में ये वीडियो बनाया है और जो उनका ब्रेकडाउन वीडियो है वो फेक है, न कि लीक फोटो या वीडियो। तो हाँ यार अगर आप भी कंफ्यूज हो गए होगे तो ये श्योर समझो कि जो लीक फोटो एंड वीडियो है वो ओरिजिनल है। चलो अब स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो वेनम पे आ जाते हैं। तो रिसेंटली एंटरटेनमेंट टुनाइट को टॉम हार्डी ने इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने हिंट दिया है कि एक टाइम पे वेनम वर्स एंड स्पाइडर वर्स एक साथ आ जाएंगे। उन्होंने ये भी बोला कि इसके लिए वो कोई भी जल्दी में नहीं है और इस आइडिया को सक्सेसफुल होने के लिए राइट पीपल एंड राइट प्लानिंग की जरूरत होगी। तो हाँ बेसिकली उनका यही कहना है कि ऐसा होगा बट ऐसा होने में टाइम है। सेम चीज वेनम के डायरेक्टर एंडी सर्किस ने भी बोला कि हाँ कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि हाँ टॉम हार्डी का वेनम एंड टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन क्रॉसओवर करेंगे। और इस स्टेटमेंट के एक दिन बाद ही टॉम हार्डी का ये फोटो सामने आया। अब ऊपर देखकर तो ये नॉर्मल सा लगता है लेकिन अगर आप उनके कैप पर ध्यान दोगे तो उन्होंने यहाँ स्पाइडरमैन नो वे होम का कैप पहना है जो कि नो वे होम के कास्ट एंड क्यू को एज अ गिफ्ट दिया गया था। तो यार इसका क्या मतलब होता है,
कमेंट में जरूर बताना। अभी के लिए तो मुझे लगता है कि ये क्रॉसओवर होने में थोड़ा टाइम है और ऐसा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया है ताकि लोग वेनम की मूवी देखने जाएं। आपको क्या लगता है जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे अपडेट्स पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे छोटे मोटे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो HBO Max की सीरीज पीसमेकर से ये एक ऑफिशियल फोटो रिलीज किया गया। देन अगर आपको सिविल वॉर याद होगी तो इसमें आपने क्रॉस बोन्स को देखा होगा, तो उसके एक्टर फ्रैंक ग्रिलो ने ये बोला है कि भले ही उनका कैरेक्टर MCU में मर चुका हो, लेकिन वो श्योर है कि किसी न किसी पॉइंट पे क्रॉस बोन्स का रिटर्न होगा। अब रिटर्न की बात हो ही रही है तो जेसिका जोन्स की एक्ट्रेस क्रिस्टन रिटन ने भी बोला है कि वो फिर से जेसिका जोन्स का रोल प्ले करना चाहती हैं और इसके लिए वो कुछ भी करेंगी। फिर एंटमैन 3 से एक रिपोर्ट है कि इस मूवी की शूटिंग जो है एरिजोना के व्हाइट पॉकेट ट्रेल में भी हुई है। और देखो ये लोकेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इस लोकेशन को देखोगे तो देखकर लगता है कि ये किसी और दुनिया की है। तो हाँ, लेट्स सी कि इस लोकेशन का मूवी में कैसे यूज किया जाता है। फिर हॉकाई की सीरीज से भी एक छोटा सा अपडेट है, जहाँ वांडा विजन, एंटमैन और एंटमैन एंड द वास्प जैसे मूवीज के म्यूजिक कंपोजर क्रिस्टोफर बेक हॉकाई की सीरीज के लिए रिटर्न कर रहे हैं। वो इस सीरीज के लिए भी म्यूजिक कंपोज करेंगे। इसके बाद मार्वल जॉम्बीज से भी एक अपडेट है, जहाँ राइटर मार्क मिलर ने हिंट दिया है कि मार्वल जॉम्बीज की लाइव एक्शन मूवी अभी के लिए डिस्कशन में है, तो हो सकता है इन फ्यूचर हमें मार्वल जॉम्बीज की मूवी देखने को मिले, वो भी लाइव एक्शन। फैंस ने व्हाट इफ की सीरीज में मार्वल जॉम्बीज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद किया था, मे बी ये उसका रिएक्शन हो। और फिर अबोमिनेशन के एक्टर टिम रॉथ ने एक स्टेटमेंट दिया है शी हल्क की सीरीज में अपने रिटर्न को लेकर। उन्होंने बोला कि इनिशियली वो एक सीरीज में काम करने के लिए रेडी नहीं थे। उनका मानना है कि सीरीज में काम करना थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन मार्क रफेलो के एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस को देखते हुए शी हल्क में उन्होंने रिटर्न करने का फैसला किया था। एक तरह से मार्क रफेलो के चलते ही टिम रॉथ रिटर्न कर रहे हैं एबोमिनेशन के रोल में। तो हाँ, शी हल्क में हमें एक साथ तीन हल्क टाइप के कैरेक्टर्स दिखेंगे, शी हल्क, अपना हल्क एंड एबोमिनेशन। फिर एक और छोटा सा रूमर है मून नाइट की सीरीज से। तो रूमर के अकॉर्डिंग मून नाइट की सीरीज में एक एक्शन सीन होने वाला है जो कि काफी सिमिलर रहेगा डेयर डेविल की सीरीज के हॉलवे फाइट सीन से। अगर आपने डेयर डेविल देखी है तो ये हॉलवे का फाइट सीन आपको याद होगा ही, ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन था उस टाइम पे। चलो, छोटे मोटे अपडेट्स बहुत हो गए, अब आ जाते हैं बैटमैन पे। 18 सितंबर को बैटमैन डे था और इसी के चलते इससे बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो बैटमैन की सोलो मूवी से जोई क्रेविट्स के कैट वुमन का ये लुक रिवील किया गया। फिर डायरेक्टर मैट रीव्स ने ट्विटर पे बैटमैन डे को सेलिब्रेट करते हुए ये फोटो शेयर किया। बेसिकली ये सेटअप एडिटिंग रूम का है और अभी बैटमैन की मूवी का एडिटिंग चल रहा है। फिर म्यूजिक कंपोजर माइकल गियाशिनो ने इस मूवी में बैटमैन का थीम म्यूजिक भी रिवील कर दिया। अब सिंस ये म्यूजिक है तो कॉपीराइट के चलते मैं यहाँ नहीं चला सकता, इसलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग चाहो तो खुद सुन लेना, सच कहूँ बहुत औसम है। फिर जैक स्नाइडर ने भी अपना ये फोटो बैटमैन डे सेलिब्रेट करते हुए शेयर किया एंड इन्हीं के साथ गैल गैडोट ने भी ये वीडियो शेयर किया है बैटमैन का मास्क पहनते हुए। तो हाँ, इस साल का बैटमैन डे काफी हैपनिंग रहा। और इसके बाद बैटमैन से रिलेटेड एक और कंफर्मेशन मिली। वैरायटी ने ये कंफर्म कर दिया कि बैटमैन की एक स्पिन ऑफ शो भी बनने वाली है जो कि फोकस करेगी पेंगुइन के कैरेक्टर पे, और ये शो एक्सक्लूसिवली HBO Max के लिए होगी। अब आ जाते हैं इटर्नल्स पे। तो इटर्नल्स से कुछ नए फोटोज शेयर किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। ये सारी फोटोज टोटल फिल्म की तरफ से शेयर किए गए हैं। फिर इटर्नल्स से रिलेटेड ही एंजेलिना जॉली से रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे उनके कैरेक्टर का फ्यूचर पूछा गया कि इटर्नल्स के बाद क्या उनका अपीयरेंस MCU में होगा, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो सच में अभी से इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। एंड ऑब्वियस भी है भाई, मूवी के रिलीज से पहले उसके फ्यूचर के बारे में पूछना डंब है। एंड जाते आते एक मेजर कॉन्ट्रोवर्सी जो कि अभी मार्वल में हो रही है। तो रिसेंटली ड्यून मूवी के डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूव ने ये बोला है कि मार्वल की मूवीज में वैरायटी की कमी है। उन्होंने बोला कि मार्वल की बहुत सारे मूवीज हैं और वो मूवीज कट एंड पेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, सेम स्टोरी सारे मूवीज में होती है, वो बस सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हैं दूसरे मूवी में पेस्ट कर देते हैं। तो इसी पे कुछ डायरेक्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया है। सबसे पहले फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने अपना एक पुराना ट्वीट रीट्वीट किया। उन्होंने ये बोला कि किसी भी डायरेक्टर के काम को जज करना गलत है, डायरेक्शन खुद में एक बहुत टफ काम होता है और कोई अपने हिसाब से खराब मूवी नहीं बनाते। इसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये बोला कि जो भी मार्वल के मूवीज को क्रिटिसाइज करते हैं, बेसिकली उन्होंने सारे मूवीज देखे नहीं है, बीच बीच से एक दो मूवीज देख लिए हैं। इसके बाद डायरेक्टर नील ब्लॉमकैम्प ने भी रिस्पॉन्ड किया जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट 9, एलिजियम ऐसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। उन्होंने तो भाई डायरेक्ट गाली ही दे दी, आप लोग देख ही सकते हो। तो हाँ, इस पूरे कंट्रोवर्सी पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड एज ऑलवेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही लेना। व्हाट इफ के एपिसोड 6 का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड बेस्ट कोरियन मूवीज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली।
मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।